हमारी सरकार को उसकी तैयारी करनी है। जो युवा ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं उनको टीकाकरण नहीं मिला है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया। सो मेरी इनफैक्ट आपके चैनल के द्वारा आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि ये जैसे यूके और यूएस का मॉडल भी रहा है, इंडिया के जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं उनको उसको स्टडी करना चाहिए और एक साथ जितनी जल्दी हो सके पहली वैक्सीन, हालांकि दूसरी वैक्सीन 6 से 8 हफ्ते बाद लगती है, मगर पहली डोज सारे लोगों को लग जाए, सारे भारतीयों को लग जाए, ताकि हमारी सारी करोड़ों की जनता को लग जाए और अगस्त तक जब तक बाकी वैक्सीन तैयार हो जाए तो दूसरी डोज लग सकती है। देखिए टीकाकरण और मास्क ही वैक्सीन है और घर के अंदर रहना, और घर के अंदर रहना हर एक के लिए, हर मनुष्य के लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं होता। लेकिन डॉक्टर दीपाली, जो इस वक्त एक संकट है वो युवाओं का है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिनके लिए अभी पॉलिसी लेवल और वैक्सीनेशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, क्या ये नए स्ट्रेन की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, ये नए थर्ड म्यूटेशन स्ट्रेन जो ऑलरेडी ईस्टर्न इंडिया में पाया जा चुका है उसके लिए हो रहा है। हमें हमारी जीनोम स्टडीज और बढ़ानी चाहिए और आपके चैनल के द्वारा सुनने में मिलनी चाहिए कि और क्या क्या हो रहा है जीनोमिक स्टडीज में, ऑटोप्सी स्टडीज में, इंडियन स्टडीज में, क्योंकि भारतीय शरीर अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है ना कि ईस्टर्न साइड से।